आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार पब्लिक के साथ। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया? आज मालेगांव महानगर पालिका के सफाई कामगार, घंटा गाड़ी कामगार और पेट्रोल पेस्ट कंट्रोल के जो कामगार है, जो ठेकेदार में काम करते हैं, उनका मोर्चा लाया गया है। इसमें पहली हमारी मांग है कि सफाई कामगारों का और पेस्ट कंट्रोल का काम महानगर पालिका ने काफ़ी दिनों से बंद किया है और शहर में गंदगी फैल रही है, रोगराई फैल रही है और कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। तो पहली हमारी मांग थी कि ये सब लोगों का काम ताबड़तोब शुरू करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये कामगारों के लिए महाराष्ट्र सरकार का कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट है, वो एक्ट में जो भी लाभ है, जो भी सुविधा है, इन कामगारों को नहीं दिया जाता। जो किमान वेतन है, वो किमान वेतन 16-17 हज़ार रुपये हर महीने को देना चाहिए, यहाँ पे कामगारों को किमान वेतन नहीं दिया जाता। बोनस कम से कम एक पगार देना चाहिए, वो किसी ने 2,000 रुपये दिया, किसी ने 1,000 रुपये ऐसा बोनस दिया है, तो उसका भी अमल नहीं किया जा रहा है। कानून से छुट्टी देना चाहिए, कानून से प्रोविडेंट फंड और ESIC लागू करना चाहिए, वो भी यहाँ पे लागू नहीं है। ये कामगारों को यूनिफॉर्म देना चाहिए, जो उनकी सुरक्षा के जो साधन है, शूज़ है, गम्बूट है, ग्लोव्स है, वो सब देना चाहिए, वो भी उनको नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर मालेगांव महानगर पालिका का कंत्राटी कामगार जो 600-700 की संख्या में काम करते हैं और ये शहर के साफ़ सफाई करते हैं और शहर के जनता की सेवा करते हैं, उनको कानूनी हक नहीं दिया जाता है और उनका शोषण चल रहा है। और इसके पीछे ठेकेदार है और इसकी पूरी जिम्मेदारी कानून से, अपने देश में जो कानून है वो कानून से महापालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी उनके ऊपर रहती है। यह सब कानून का अमल करने की जिम्मेदारी कमिश्नर के ऊपर होती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में और हमारे देश के अलग अलग कानून में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में कि जो संस्था में काम करते हैं वहाँ का जो प्रमुख है उसकी जिम्मेदारी है कानूनी लाभ वर्कर को देना चाहिए। तो आज उनके साथ में बात हो गई, उन्होंने हमारी पूरी मांगे मान ली है।